ar-Rahman rahmanir rahim in the last lecture we discussed central bank independence issue and we made a case for central bank independence that central bank should be independent now in this lecture we will make a case against central bank independence because there are benefits as well as costs of central bank independence so that's why it is important to show both sides of this issue that is benefits as well as costs. So in this lecture, we will discuss uh, costs. So the first criticism or the first cost of central bank independence, which is discussed in the literature, is that macroeconomic stability cannot be achieved only through monetary policy. Monetary policy akela central bank independence ke hote hue overall macroeconomic stability achieve nahi kar sakta. मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी से मुराद हमारा आउटपुट की स्टेबिलाइजेशन है प्राइसेस की स्टेबिलिटी है एक्सचेंज रेट की स्टेबिलिटी है और इस तरह के और मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स की स्टेबिलिटी है तो ये अकेला चूंकि सेंट्रल बैंक नहीं अचीव कर सकता तो अगर आप सेंट्रल बैंक को इंडिपेंडेंट बना देंगे और उसकी एक अपना पॉलिसी का फोकस होगा जबकि बाकी जो गवर्नमेंट की एंटिटीज हैं या मिनिस्ट्रीज हैं उनका पॉलिसी फोकस उससे डिफरेंट होगा तो फिर ओवरऑल फ्रेमवर्क के अंदर मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अचीव नहीं हो पाएगी इसी तरीके से जो दूसरा इश्यू है वो ये है कि ओवरऑल एट द एंड गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैक्रो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस यानी कि अगर किसी साल बहुत बुरे मुआशी हालात हो जाते हैं इकोनॉमिक परफॉर्मेंस पुअर रहती है तो अल्टीमेटली हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट पुअर परफॉर्मेंस कौन होगा गवर्नमेंट से लोग पूछेंगे तो अगर गवर्नमेंट जो है वो पुअर परफॉर्मेंस के ऊपर रिस्पॉन्सिबल है और अकाउंटेबल है लेकिन सेंट्रल बैंक अपने डिसीजन में इंडिपेंडेंट है वो गवर्नमेंट से इंडिपेंडेंट हो गया है तो इसका मतलब ये है कि अगर गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है तो फिर गवर्नमेंट की कोई से भी होनी चाहिए मॉनिटरी पॉलिसी में एक इंपॉर्टेंट माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी है जिसमें गवर्नमेंट की से ही नहीं है उसको बनाने वाला इदारा उसको इंप्लीमेंट करने वाला इदारा आजाद है तो फिर गवर्नमेंट कैसे रिस्पॉन्सिबल हो सकती है और अगर गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है तो फिर जरूरी है कि गवर्नमेंट जो है वो कहीं ना कहीं मॉनिटरी पॉलिसी के अंदर उसकी से हो एक और इशू जो इंपॉर्टेंट है कि जितने भी नॉन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन होते हैं स्पेशली बेरोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन उनकी थेरी ये कहती है कि वो अपनी प्रेस्टीज और पावर बढ़ाने के लिए डिफरेंट डिसीजंस लेते हैं तो अगर ये बात हम सेंट्रल बैंक के ऊपर अप्लाई करें तो ऐसा पॉसिबल है कि अगर सेंट्रल बैंक इंडिपेंडेंट हो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को डायरेक्टली जो है आ, उनके साथ उसका कोई कंसर्न ना हो आल दो अकाउंटेबल तो होता है लेकिन पॉलिसी के अंदर उनकी आ, जो आपके पॉलिटिशियंस हैं या जो गवर्नमेंट है इलेक्टेड गवर्नमेंट उसकी से ना हो तो ऐसा हो सकता है कि सेंट्रल बैंक ओवर टाइम ऐसे डिसीजंस भी ले जो कि उसकी अपनी पावर और प्रेस्टीज बढ़ाने के लिए हो ना कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए हो अब हम ये देखते हैं कि हमने बेनिफिट्स भी देख लिए तीन कास्ट भी देख लिए या एडवांटेजेस भी देख लिए डिसएडवांटेजेस भी देख लिए तो अब हम देखते हैं कि दुनिया का ट्रेंड क्या है कि ओवर टाइम जो है वो क्या दुनिया में ज्यादा मुल्कों में सेंट्रल बैंक्स इंडिपेंडेंट हुए हैं या इंडिपेंडेंट नहीं हुए तो दुनिया का ट्रेंड हमें यही बताता है कि वर्ल्ड वाइड जो है वो ज्यादातर कंट्रीज ने अपने सेंट्रल बैंक्स को इंडिपेंडेंट किया है और उसके पीछे रीजन ये है कि एक इंपेरिकल एविडेंस पाया जाता है कि जो आपकी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होती है उसका सेंट्रल बैंक इंडिपेंडेंस से बड़ा क्लोज पॉजिटिव रिलेशनशिप है यानी कि जिन मुल्कों में सेंट्रल बैंक इंडिपेंडेंट हैं उन मुल्कों की मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बेहतर है या परफॉर्मेंस बेहतर है और जहां सेंट्रल बैंक इंडिपेंडेंट नहीं है वहां मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है तो ये जो पॉजिटिव कोरिलेशन है इन दो वेरिएबल्स का ये रीजन है कि दुनिया के ज्यादा मुल्कों ने सेंट्रल बैंक्स को इंडिपेंडेंट किया अब चूंकि हमने साथ प्रॉब्लम्स भी डिस्कस कर लिए सेंट्रल बैंक इंडिपेंडेंस के प्रॉब्लम्स भी हैं तो फिर दुनिया ने क्यों सेंट्रल बैंक्स को इंडिपेंडेंट किया आल दो ये अभी पॉजिटिव रिलेशनशिप मैंने आपको बताया ये एक प्लस पॉइंट है सेंट्रल बैंक इंडिपेंडेंस का लेकिन सवाल यह है कि नेगेटिव साइड भी तो बहरहाल है तो फिर कंट्रीज ने उसको कैसे हैंडल किया तो उसमें उन्होंने ये किया कि सेंट्रल बैंक्स को इंडिपेंडेंट तो बनाया लेकिन एट द सेम टाइम उनके ऊपर जरूरी करार दिया कि वो ट्रांसपेरेंट हो उनके एक्शंस लोगों के सामने क्लियर हो वो उनके कोई एजेंडा कोई पॉलिसी कोई डिसीजन हिडन ना हो और एट द सेम टाइम उस ट्रांसपेरेंसी का फायदा तब हो जाएगा जब वो सेंट्रल बैंक अगर प्रॉपर डिसीजन ना ले या अपने टारगेट्स ना अचीव करे तो वह अकाउंटेबल ठहराया जाए तो दुनिया ने सेंट्रल बैंक इंडिपेंडेंस के साथ ये इंश्योर किया कि सेंट्रल बैंक की एक्शन ट्रांसपेरेंट हो और उस ट्रांसपेरेंसी की वजह से जहां कहीं प्रॉब्लम नजर आए वहां सेंट्रल बैंक जो है वो अकाउंटेबल हो और एक और पॉइंट कि जब से ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया है जिसको हमने इस पूरे कोर्स के दौरान कई बार डिस्कस किया है तो उसके बाद से फिस्कल पॉलिसी की मॉनिटरी पॉलिसी के साथ कोऑर्डिनेशन इंक्रीज हुई है तो यानी कि सेंट्रल बैंक इंडिपेंडेंट जरूर है लेकिन जहां कहीं जरूरत हो फिस्कल पॉलिसी के साथ कोऑर्डिनेशन की जिससे ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सकती है तो वो कंट्रीज ने ऐसा किया है कि उनके दरमियान कोऑर्डिनेशन को बढ़ाया है थैंक यू